हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ सबकी फेवरेट डिश हक्का नूडल्स, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है और बनाने में बहुत ही इजी है। तो ये ऑलमोस्ट सबको पसंद है ये रेसिपी, मेरे छोटे भाइयों को भी पसंद है, मेरी बहनों को भी पसंद है और छोटे बच्चों को भी पसंद है। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो फ्रेंड्स, मैं अनु आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फूड एंड ब्यूटी टिप्स विद अनु। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया है नूडल उबालने के लिए और इसमें ऑयल डाल दिया है ताकि नूडल चिपके नहीं। अब हमें इसे नूडल को इसे हमें उबालना है, इस चाउमीन को उबालना है। उबालने का हमें 75% उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना हमें, नहीं तो फिर नरम हो जाएगा तो ये खराब होगा। ऑलमोस्ट हमारा उबल गया है तो हम इसे पानी को निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे पानी को। देखिए हमारा उबल गया है चाउमीन, बस हम पानी को फेंक दिए। देखिए और हमें ठंडा पानी देखिए धो लेना है और ठंडा करने के लिए छोड़ देना है, बस हमें ठंडा करने के लिए छोड़ देना है नूडल्स को, ठंडा हो जाए तो फिर हमारा नूडल चिपकेगा नहीं दूसरे में। एक कढ़ाई लिया मैंने, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद हम एक एक करके अब इसमें सभी सब्जी डाल देंगे जो मैंने पहले से काट रखी है। देखिए मैंने जूलियंस में प्याज रखे हैं काट कर, ये मैंने डाल दिया है। मैं थोड़ा अब गार्लिक डालूंगी, चॉप किया हुआ गार्लिक है। मैंने गाजर भी काट रखा है लंबे पीसेस में, डाल दिया गाजर। और ये ब्रोकली डाले हैं हम, ऑप्शनल है आपका मन डालो। ये मैंने पत्ता गोभी डाल दिया है और ये मैंने बीन्स डाल दिए हैं। और हमें तेज आंच में सब्जी को पकाना है अच्छी तरह, हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची रखना है सब्जी को। तेज आँच में हमें बस इसे भुनेंगे। देखिए हमारा सब्जी थोड़ा नरम हो गया है, नरम होने के बाद हम इस पे अब हम ये अपना नूडल्स जो है वो डाल देंगे। अपनी मर्जी है, यदि आप नूडल्स में थोड़ा नमक और ऑयल लगाना चाहे तो आप पहले से लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं ऑयल डाल दी थी। देखिए मैंने थोड़ा सा स्पिनच डाल दिया है जिसे पालक कहते हैं, पालक डाल दिया है, नमक डाल दिया है, बहुत अच्छा बनता है, आप डाल के जरूर देखिएगा। ये सेजवान सॉस है, मैंने घर पे बनाया था। यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपसे शेयर करूँगी ये रेसिपी। सेजवान सॉस डाल दिया मैंने, ये मैं घर में बनाई हूँ तो कम तीखा वाला है। ये विनीगर डाल रही हूँ मैं, आप विनीगर डाल दीजिएगा इसमें। अब हम इस पर सोया सॉस डालेंगे, एक एक करके हम सभी सॉसेस ऐड कर लेंगे इसमें। अब देखिए मैं इस पर गोल मिर्च डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। मैं जरा सा चीनी डाल रही हूँ, टेस्ट को बहुत अच्छा बैलेंस करता है ये चीनी, जरा सा मैं डाल रही हूँ। मैं प्राय सभी रेसिपी में हल्का सा चीनी शुगर डालती हूँ, आप मेरी रेसिपी को देखिएगा क्यों डालती हूँ ये भी मैंने बताया है। अब मैं और भी कलरफुल चीज़ें ऐड करूँगी। ये मैंने लाल शिमला मिर्च लिया है जिसे हम रेड पेपर कहते हैं, और ये येल्लो शिमला मिर्च, ये येल्लो पेपर है। फ्रेंड्स ये दोनों बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालो या फिर रहने दो। अब हम इस पर स्प्रिंग अनियन डाल के हम अच्छी तरह इसे मिला लेंगे। सब सॉस डाले हैं, जो भी इसमें सब्जी डाले हैं, बस अच्छी तरह इसे मिला लेंगे और हमें इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, हल्के हाथ से मिलाएं ताकि हमारा नूडल्स टूटे नहीं। देखिए मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, बस इसमें अच्छी तरह फ्राई करके अब इसे सर्व के लिए रेडी है। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं और रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हमारा रेडी है पूरा नूडल, अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्विंग की बारी है, स्प्रिंग अनियन डालेंगे। स्प्रिंग अनियन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे एक और रेसिपी है मंगोलियन मील्स की, जो नूडल्स लवर है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, राइस और नूडल्स का कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को कीजिए इंजॉय और मैं आती हूँ नई रेसिपी के संग। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।